राजभाषा विभाग मुख्यालय बेलापुर में आज से प्रारंभिक अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हो गया। विभाग के संसदीय सचिव धर्मराज खटिक ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर वरिष्ठ साहित्यकार अरविंद राही, पूर्व निदेशक आनंद श्रीमाली, प्रशिक्षक लेखा सरीन समेत कई विभागों से आए प्रशिक्षणार्थी मौजूद थे। देखिए रिपोर्ट। राजभाषा अनुवाद ब्यूरो कार्यालय में आज से प्रारंभिक अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हो गया। 30 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में केंद्र सरकार के विविध संस्थानों से जुड़े कई राज्यों के अनुवाद अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। आज राजभाषा विभाग के संसदीय सचिव धर्मराज खटिक ने इसका उद्घाटन किया। यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पर वरिष्ठ साहित्यकार अरविंद राही, पश्चिम जोन की उपनिदेशक कार्यान्वयन डॉक्टर सुषमा भट्टाचार्य, प्रशिक्षक लेखा सरीन और नीलम कपिला एवं पूर्व निदेशक आनंद श्रीमाली समेत कई अधिकारी एवं प्रशिक्षु मौजूद थे। राजभाषा संसदीय सचिव धर्मराज खटिक ने अनुवाद प्रशिक्षण को कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण बताया और ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आगे भी जारी रखने का भरोसा दिलाया। देखिए, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो 30 दिवसीय अनुवाद पे जो ऑलरेडी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी है उनके लिए है। और ये एक तरह का अपनी तरफ ऐसा पहला एक अनोखा कार्यक्रम है, ऐसा और कोई पे इसके पैरेलल में कोई प्रोग्राम नहीं है। और इसमें जो प्रशिक्षणार्थी आएंगे वो इनसे बहुत ही इनरिच होके जाएंगे और उसको अपने फील्ड में यूज करेंगे, तो इनका जो कार्य है जो कार्यालय में जो उपयोग करेंगे उसमें बहुत ही अच्छी गुणवत्ता में वृद्धि होगी। और इस कार्यक्रम में जो प्रशिक्षणार्थी बहुत अलग अलग राज्यों से आए हैं और अलग अलग कार्यालय से आए हैं, केंद्रीय कार्यालय से, और उनके प्रशिक्षण के लिए हमने दिल्ली से विशेष ट्रेनर्स भेजे हैं। मैं आशा करता हूं कि इससे इनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। कि हमारे यहाँ पे 4 केंद्र है तो चारों में एक संयुक्त निदेशक स्तर का एक पद है जिसके लिए ऑलरेडी हमने एडवर्टाइजमेंट किया हुआ है कि जैसे ही वो हमें सहायक संयुक्त निदेशक मिल जाएंगे ताकि सभी का मैंडेटरी जो ट्रेनिंग है अनुवाद की वो सबको अपने यहीं पे अपने क्षेत्र में मिल सके, इसलिए हमने उनके भर्ती के लिए विशेष अभियान चलाया हुआ है। वहीं दिल्ली से आए विशेष प्रशिक्षण अधिकारी लेखा सरीन ने बताया कि अनुवाद प्रशिक्षण न सिर्फ बेहतर कामकाज के लिए जरूरी है बल्कि नए नियमों के मुताबिक पदोन्नति के लिए भी अनिवार्य बन गया है। उन्होंने विश्वास जताया कि 30 दिनों का प्रशिक्षण कार्यक्रम कर्मचारियों के लिए उपयोगी साबित होगा। सभी कार्यालयों में पदोन्नति के लिए केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य हो गया है। सबके आरआर में ये प्रावधान कर दिया गया है कि केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो से प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है, विशेष रूप से जो अनुवाद के क्षेत्र से जुड़े कर्मचारी और अधिकारी हैं। तो हमारा ये 30 दिवसीय जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है ये पूरे भारतवर्ष में चार राज्यों में आयोजित किया जाता है। तो निस्संदेह ये कार्यक्रम बहुत ही उपयोगी होता है आने वाले समय के लिए। इसमें हम न केवल पदोन्नति के लिए बल्कि एक अच्छे अनुवादक और फिर आने वाले समय में अच्छे अधिकारी के लिए अपने प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित करते हैं। प्रशिक्षणार्थी स्वयं इस बात को स्वीकार करेंगे कि निस्संदेह उन्हें इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से काफ़ी लाभ मिला है और आने वाले समय में उनके लिए ये बहुत उपयोगी रहेगा। वहीं अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले कर्मचारियों ने भी अपना अनुभव साझा किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। राष्ट्रभाषा में हम काम कम ही करते हैं, अंग्रेज़ी का बहुत ज़्यादा चलन है। हमारे जो केंद्र सरकार के कार्यालय होते हैं तो वहाँ पे अंग्रेज़ी जैसे हमारी आज एक फैशन हो गई है कि जो अंग्रेज़ी बोलता है उसे अपमार्केट समझा जाता है और हमारी भाषा को हम कहीं पीछे छोड़ता जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम अच्छे से अनुवाद की कला सीखेंगे तो जो हम अपनी बात अंग्रेज़ी में अच्छे से रखते हैं उतना ही हिंदी में रखेंगे और हमारी भाषा का प्रचार प्रसार करने में अपनी तरफ से एक छोटा सा हाथ बढ़ा पाएंगे, ये मुझे लगता है। ये प्रशिक्षण नियमित रूप से होना चाहिए, सभी कर्मचारियों के लिए होना चाहिए और मैं तो ये कहूँगा कर्मचारियों से निकल के समाज के बीच में भी प्रशिक्षण जाना चाहिए। राजभाषा एक ऐसा विषय है जो देश को जोड़ने का काम करता है, हिंदी जोड़ने का काम करती है, दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, सेकंड नंबर पे आती है। उसके बाद भी हमारे देश में प्रयोग हम हिंदी में करते हैं, वार्तालाप करते हैं, बट काम हम अंग्रेजी में करते हैं। तो मेरा तो सबसे यही आग्रह है कि सब लोग हिंदी में काम करें। और मुझे इस प्रशिक्षण में आके जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ लग रही है वो ये लग रही है कि बहुत सारी चीज़ें जो भाव से संबंधित हैं हम अंग्रेजी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन कर देते हैं, डिक्शनरी रटते हैं, 4 शब्द बोलते हैं, पर हिंदी के लिए जो एक
उच्चतम स्तर के जो प्रयोग करने वाले शब्द हैं उनका प्रयोग हमारी जो न्यू जनरेशन है वो भी भूलती जा रही है। मैं खुद भूलता हूँ बहुत सारी चीज़ें, मुझे इस एक घंटे में ही इतना ब्रीफ मिला है कि मैं उसको वक्तव्य से बताने का मतलब असमर्थ हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।